कर्व किया मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पिछले 10 दिनों में मैंने लोगों को यहाँ बड़ी पेन में देखा था, पेन में, बहुत पेन में देखा, डिस्टर्ब है यहाँ। यानी वो पाउंड्स तो कमा चुके हैं, सुकून कोई नहीं उनके पास, प्लेयर है, दुनिया में कहीं प्लेयर से सुकून नहीं निकल सकता। ये खुशी की फॉर्म्स है, पानी की तीन हालतों का तारुफ आपको है। पानी की हालत है जो पीते हैं लिक्विड फॉर्म में आपके सामने, पानी की हालत है जिसको वेपोरेट करते हैं आप बुखारात बन जाते हैं, पानी की हालत है वो आइस की फॉर्म में भी बड़ी होती है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है, स्टीम बाथ दे रहे हैं तो लिक्विड नहीं चाहिए, ठंडा करना है तो बर्फ चाहिए, लिक्विड है तो ये सामने पड़ा हुआ है। खुशी की दो हालतें याद रखिए। मैं मिनिमम वो फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस पे नहीं जाऊंगा, दुनिया में टोटल किताबें फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 22,000 है सिर्फ हैप्पीनेस पे, गूगल पे चेक कीजिएगा। तो वो ब्रिटन रसल से शुरू कर लें या फिर जो आज के मॉडर्न कह लीजिए सूफीज हैं उनकी किताबें आप साइकोलॉजी की हैप्पीनेस पे पढ़ लें। खुशी की दो फॉर्म्स है जी, एक बिग बायर और एक कॉन्टेंटमेंट एंड ब्लिस। प्रॉब्लम ये है कि हमारे, मैंने ज्यादातर लोग जो यहां देखे, मैं दुख से कह रहा हूं, हमदर्दी से कह रहा हूं, उसको वो ना समझिएगा कि मैं क्रिटिक कर रहा हूं, मुझे हमदर्दी है। जैसे एक मुआलिज को हमदर्दी होती है, वो प्लेयर से वाकिफ है, वो ब्लिस से, वो इत्मीनान से और सुकूनत से उस तरह वाकिफ नहीं। वजह क्या है? प्लेयर की लाइफ बड़ी थोड़ी है, प्लेयर की याद जो है ना वो पछतावा होती है। उसको याद करके ना बाज औकात आपको अपना पुराना बड्डी मिलता है ना, फेलो मिलता है, वो कहना वो तुम्हें याद है तो यूनिवर्सिटी, कहना चुप करता है दसी ना, उस टाइम पे वो प्रायर होता है, लेकिन उसकी याद गिल्ट हो सकती है। इत्मीनान कल्ब और ब्लिस की याद जो है ना वो भी खुशी देती है। आप अपनी बूढ़ी माँ के साथ उमरा हज करते हैं, वो अल्लाह के पास चली जाती है, फिर उसकी याद जो तकलीफ आपने कभी उठाई होती है उस उमरे हज में, वो जो बैग बस्ता उठाया होता है आपको कोई याद कराता है तो आपके पास खुशी होती है, दुख भी होता है कि चली गई, लेकिन एक याद में खुशी होती है कि यार एक मैंने कुछ किया था जिंदगी में। इस माशरे में मैंने खोखलापन देखा, शायद जड़ों से जो दरख्त दूर हो जाते हैं वो दिखने में अच्छे लगते हैं, उनकी जड़ों में वो बुनियाद उस तरह नहीं होती। हमारी जड़ें पाकिस्तान है सर, हमारी जड़ें ना चाहते, यकीन कीजिए आप जितना मर्जी खुशहाल हो जाइए उस मुल्क को किसी भी हालत में देखिए, ये सारा जो इतना सफोकेशन है भाईजान, मैं इसको भी पॉजिटिव लेता हूं, ये दर्द है लोगों का, यकीन करें लोग चाहते हैं चेंज, लोगों को पता है कि इस मुल्क में पोटेंशियल बढ़ा है, ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। उस तकलीफ को देख के, इसके साथ जो 76 साल में होता रहा, मैं समझता हूं जो धोखे होते हैं उन तकलीफों को देख के गमगीन होके पोर्ट्रे करते हैं, और वो किस तरह, और कोई रास्ता नहीं उनके पास। तो सर इसमें तो यही अर्जी पेश करूंगा सर कि ये सफर चलते चलते यहाँ का सब लोग डिप्रेशन का बहुत ज्यादा, मैं चाहूंगा कोई और सवाल मैंने सवाल